चारू अतोपा और राजीव सेन अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर हमेशा ही सुर्खियों में बने रहते हैं। उनका रिश्ता कभी बनता है तो कभी बिगड़ जाता है और ये बात उनके फैन से भी नहीं छुपी है। बीते दिनों चारू और राजीव एक दूसरे पर आरोप लगाते नजर आ रहे थे। जहां राजीव ने चारू पर अपनी शादी छुपाने का आरोप लगाया था, वहीं चारू ने कहा था कि राजीव झूठ फैला रहे हैं उनके खिलाफ। लेकिन गणेश चतुर्थी के दिन दोनों ने सोशल मीडिया पर अपनी शादी को दूसरा मौका देने का फैसला लिया था, जिसके लिए उन्होंने एक लंबा चौड़ा पोस्ट भी लिखा था। यहां तक कि ये दोनों काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करने लगे थे, एक दूसरे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताते थे और अपनी तस्वीरों को शेयर करते थे। लेकिन अब करवा चौथ के अगले ही दिन चारू और राजीव ने जो कुछ दिनों पहले फ़ोटोज़ शेयर की थी, वो तमाम तस्वीरें इन दोनों ने अपने अकाउंट से डिलीट कर दी है और दोनों ने एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया है। इस पर चारू का रिएक्शन सामने आया था। चारू ने एक इंटरव्यू में कहा था कि मैंने राजीव को अनफॉलो नहीं किया, बल्कि उन्होंने मुझे ब्लॉक किया है। वो दिल्ली गए और वहाँ जाने के बाद उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया। मुझे नहीं पता कि वो वहाँ क्या कर रहे हैं और कहाँ हैं। सच में हम चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, हमने एक मौका भी दिया, लेकिन लगता नहीं है कि ये काम कर रहा है। वही अब राजीव सेन ने भी एक इंटरव्यू के दौरान कई चौंकाने वाले खुलासे कर लिए हैं। बताना चाहते हैं, राजीव ने जो रिएक्शन दिया है वो काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग है। राजीव ने अपने इस इंटरव्यू में अपनी पत्नी चारू को बीमार बता दिया है और कहा है, ड्रामा क्वीन फिर से ड्रामा कर रही है, मैंने उन्हें कभी ब्लॉक नहीं किया है। साथ ही मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि सोशल मीडिया से ब्लॉक करने के आदि के बारे में मैं बात करना चारू की बेहद बचकानी बात है, यहाँ तक कि बच्चे भी ऐसा नहीं करेंगे। मुझे लगता है वो सुर्खियों में रहने के लिए और कई तरीके ढूंढ रही हैं, वो पॉजिटिव रूप से लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करें, ना कि नेगेटिव चीज़ों से। चारू दिमागी तौर से बीमार है और उन्हें डॉक्टर की ज़रूरत है। क्या चारू की दिमागी हालत के लिए एक अच्छा डॉक्टर ढूंढ सकता है? उन्हें सच में इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इस तरह की तमाम बातें राजीव ने अपनी पत्नी चारू को लेकर एक इंटरव्यू में कही है, जिसके बाद हर कोई काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो गया है। एक तरह से राजीव ने अब चारू की मेंटली हालत पर सवाल खड़े कर दिए हैं और उन्हें सबके सामने बीमार करार दे दिया है। वीडियो में इतना ही।